से आ रही है जहां केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आज झारखंड बंद है। बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट है और प्रमुख जगहों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एहतियात जरूरी है क्योंकि पड़ोसी राज्य बिहार में अग्निपथ को लेकर जिस तरीके से हो हंगामा हुआ, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, उससे सबक सीखने की जरूरत है। और ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से बंद के मद्देनजर तमाम एहतियाती कदम उठाने की बातें कही जा रही है। प्रमुख जगहों की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर रांची से जुड़ गए। ओम प्रकाश, बंद के मद्देनजर क्या व्यवस्था आपको चौकस दिखती रही है इस वक्त? जी, बता दें कि झारखंड बंद का आज आह्वान किया गया है और इसे देखते हुए तमाम जगहों पर जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं, खासकर अगर रेलवे स्टेशन या फिर रेल पटरियों के आसपास की बात की जाए तो उन इलाकों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर बीजेपी के दफ्तर, जो प्रदेश कार्यालय है, वहां की भी सुरक्षा कल से ही चाक चौबंद कर दी गई है। राजभवन के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। तो बात की तो सुरक्षा को लेकर पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अग्निपथ मामले को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो भी लगातार जारी है, लेकिन देखना होगा कि आज किस तरह से ये लोग सड़कों पर उतरते हैं और फिर किस तरह से बंद का सफल बनाने में लग पाते हैं और प्रशासन इस दौरान किस तरह से उन्हें रोक पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, अग्निपथ पर झारखंड बंद का आह्वान आज किया गया और झारखंड में इस बंद को गंभीरता से लिया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा व्यवस्था चौकस की गई है। बीजेपी मुख्यालय हो, तमाम रेलवे स्टेशन हो, यहां पर सुरक्षा बेहतर बनाई गई है।